हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैं हूँ पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द नाइन्थ लेक्चर ये हमारा नाइन्थ लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट

लेक्चर पे हम इसके आगे पढ़ेंगे आज मैं आपको बताऊंगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं ठीक है डिटर्मिनेंट्स मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं ठीक है डिफरेंट फर्म हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अलग अलग कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल को किसी कंपनी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसी कंपनी की कम रिक्वायरमेंट होती है तो बेसिकली कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिटरमाइन होता है कि, कि किस कंपनी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की किन कंपनी को कम है तो वही फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में आपको बताऊंगी वर्किंग कैपिटल पॉलिसी तो तीन पॉलिसीज होती है वर्किंग कैपिटल की एक होती है कंजर्वेटिव पॉलिसी एक होती है एवरेज पॉलिसी एक होती है एग्रेसिव पॉलिसी

ठीक है तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल के डिटर्मिनेंट्स यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म यानी किसी फर्म की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये किन किन फैक्टर से इफेक्ट होती है ठीक है अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है बताइए सबसे पहला पॉइंट क्या है नेचर ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस का नेचर क्या है जो आपका बिजनेस है आपकी कंपनी आपकी फर्म है वो किस टाइप की है ठीक है जैसे एग्जाम्पल देती हूँ जैसे अगर कोई ट्रेडिंग फर्म है ठीक है ट्रेडिंग फर्म है या कोई फाइनेंशियल फर्म है तो वहां पे क्या होता है फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट कम होती है ठीक है अगर ट्रेडिंग या फाइनेंशियल फर्म है तो वहां पे फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है कम होती है वहां पे ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री प्लांट सेटअप करना है बड़ी बड़ी मशीनरी लगानी है तो वो रिक्वायरमेंट नहीं होती फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट कम होती है लेकिन वहां पे करेंट एसेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ठीक है वर्किंग कैपिटल की वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई रिटेल स्टोर है तो रिटेल स्टोर को लार्ज स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है ठीक है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके तो उसे ज्यादा सामान रखना पड़ता है स्टॉक का मतलब ज्यादा स्टोर करने पड़ते हैं तो वहां पे करंट एसेट वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ता है पर फिक्स एसेट का उसके पास कम होता है फिक्स एसेट की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ये क्या है नेचर ऑफ़ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है अगर इसी की जगह आपकी कोई पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है ठीक है पब्लिक यूटिलिटी जैसे बस ट्रांसपोर्ट या कोई रेलवेज है एस टाइप की कोई कंपनी है तो वहां पे क्या है फिक्स एसेट ज्यादा होगा ना वहां पे फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ठीक है वहां पे आपको आ, क्या बोलते हैं बसेस खरीदनी पड़ेगी अगर बस ट्रांसपोर्ट की अगर आपकी कोई कंपनी है तो वहां पे फिक्स एसेट बस क्या है, फिक्स एसेट है ये आप उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा जबकि जो करेंट एसेट है ठीक है उसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगा कम होगा आपका तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहां पे कम है और अगर इसी की जगह मैं बात करूं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ठीक है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी तो वहां पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो इन दोनों के बीच में होगी बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं ठीक है जैसे पब्लिक यूटिलिटी कंपनी में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी कम है ठीक है ट्रेडिंग कंपनी में बहुत ज्यादा है बट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वहां पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो इन दोनों के बीच में होती है तो बेसिकली ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है आपका बिजनेस किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट राइट right? पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट क्या है सेल्स एंड डिमांड कंडीशन आपकी फर्म की सेल क्या है ठीक है आपकी जो कंपनी है उसकी सेल कैसी चल रही है आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड क्या है इस पर डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे अगर डिमांड बहुत हाई है ठीक है आपकी कंपनी में आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी डिमांड बहुत हाई है डिमांड हाई है तो सेल्स खूब सेल्स खूब हो रही है सेल्स खूब हो रही है तो आपको प्रोडक्शन भी तो खूब करना पड़ेगा खूब आप प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्शन करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा होगी ठीक है तो डिमांड एंड सेल कंडीशन अगर डिमांड ज्यादा तो सेल ज्यादा तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी लेकिन अगर इसी की जगह अगर डिमांड कम है प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है तो आप आपकी मतलब सेल्स ही नहीं हो रही है सेल्स नहीं हो रही तो इतना प्रोडक्शन करके करेंगे क्या तो प्रोडक्शन भी कम होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी ठीक है तो ये दूसरा फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ठीक है आपकी फॉर्म में कौन सी टेक्नोलॉजी कैसी टेक्नोलॉजी यूज की, की, की जाती है एडवांस टेक्नोलॉजी की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है या कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या है ठीक है किसी भी प्रोडक्ट को बनने में कितना समय लग रहा है ठीक है आपका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है आपने रॉ मटेरियल खरीद के लाया उसके बाद उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट किया तो उसमें पूरा समय कितना लग रहा है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ठीक है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल Uh, कितनी लंबी है तो ये भी डिटरमाइन करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बहुत लंबी है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बहुत लंबी है जैसे एग्जांपल के लिए बहुत बड़े बड़े जो कह लीजिए इक्विपमेंट या बड़ी बड़ी मशीनरी अगर आपकी कंपनी में बन रही है बॉयलर्स बन रहे हैं ठीक है बड़ी बड़ी चीजें बन रही है ट्रेन के डिब्बे बन रहे हैं बसेस बन रही है ठीक है बड़ी बड़ी कार्स बन रही है सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस कार्स बन रही है तो वहां पे क्या है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल लेंदी होती है कई महीनों में एक प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल लंबी होगी तो यानी आपने आपका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है ब्लॉक हो रहा है आपका जो रॉ मटेरियल है फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय लग रहा है आपका जो कैश है वो ब्लॉक हो रहा है मटेरियल में वर्क इन प्रोग्रेस में आपका कैश ब्लॉक हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बनने में ज्यादा समय लग रहा है ठीक है ज्यादा समय लग रहा है यानी आपका जो पैसा है ज्यादा समय के लिए सेमी फिनिश गुड में कह लीजिए आपका पैसा ब्लॉक है तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी लेकिन अगर इसी की जगह मैं एफ प्रोडक्ट की बात करूँ एफएमसीजी मतलब तो समझ रहे हैं ना बताइए एफ क्या होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड अगर एफ एम सी कोई प्रोडक्ट है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जैसे सोप हुआ शैम्पू हुआ ऑयल हुआ ठीक है ये सब इस टाइप के कोई प्रोडक्ट हैं तो वहां पे क्या है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल तो बहुत कम होती है कुछ घंटों में सामान बन जाते हैं तो कुछ घंटों में सामान बन जाते हैं तो वो मार्केट में ही पहुंच जाएंगे और फिर वो सेल भी हो जाएंगे सेल भी हो जाएंगे तो वापस आपको कैश रिसीव हो जाएगा कैश मिल जाएगा आपने इसमें कैश लगा के रॉ मटेरियल खरीदा रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन गया प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच गया सेल हो गया सेल हो गया वापस कैश मिल गया तो यहाँ पे क्या होगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी ठीक है अगर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी अगर ये ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ठीक है तो ये तीसरा फैक्टर है चौथा फैक्टर चौथा फैक्टर क्या है क्रेडिट पॉलिसी मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ चौथा फैक्टर क्या है चौथा फैक्टर है क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या है कि आप जो अपने डेटर्स हैं आपके जो डेटर्स हैं आप उनको मतलब आप आपकी फर्म में उनके रिगार्डिंग क्रेडिट पॉलिसी आप कैसी फॉलो करते हैं तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द फर्म फर्म में वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी ये क्रेडिट पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फर्म में कैसी क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की जा रही है क्योंकि ये भी इन्फ्लुएंस करता है लेवल ऑफ डेटर्स ठीक है आपकी फर्म आपकी आपका जो बिजनेस है उसके डेटर कितने होंगे ठीक है वो डिपेंड करता है आपकी फर्म में क्रेडिट पॉलिसी कैसी फॉलो की जा रही है ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं अगर सपोज करिए आपकी फर्म में लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की जा रही है लिबरल यानी आप बहुत लिबरल मतलब बहुत उदारवादी हैं ठीक है बहुत लिबरल है क्रेडिट देने में ठीक है आप कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस नहीं चेक करते बहुत ज्यादा नहीं चेक करते ऐसी कोई रेटिंग वगैरह नहीं करते सभी को क्रेडिट पे सामान भेज देते हैं ठीक है तो अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा डेटर्स बढ़ जाएंगे आपके जो फॉर्म के जो डेटर्स है वो बढ़ जाएंगे ठीक है सबको आप उधार पे सामान बेच रहे हैं ठीक है बहुत लिबरल है आप सबको उधार पे सामान बेच रहे हैं तो इससे क्या होगा डेटर्स बढ़ जाएंगे अब डेटर्स बढ़ जाएंगे तो एक काम ये भी बढ़ जाएगा कि डेटर से कलेक्ट करना होगा फंड जो भी फंड है डेटा के पास ब्लॉक है वो फंड को कलेक्ट करने का एक काम बढ़ जाएगा और टाइमली अगर फंड कलेक्ट हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है बट अगर इसमें भी तो समय लगता समय लगता लगता है है से फंड कलेक्ट करने में तो जितना ज्यादा कलेक्शन हाई कलेक्शन पीरियड होगा जितना ज्यादा हाई कलेक्शन पीरियड कलेक्शन पीरियड जितना ज्यादा होगा यानी उतने समय के लिए आपका जो कैश था आपका जो करेंट एसेट था वो कहाँ है डेटर के पास ब्लॉक हो गया ये बात समझ में आ रही है आपकी कंपनी में जो क्रेडिट पॉलिसी है ये भी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करती है क्योंकि अगर आपने लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो किया तो यानी आपको सबको काफी ज्यादा कस्टमर को आप क्या है क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं यानी आपके डेटर बढ़ जाएंगे डेटर बढ़ जाएंगे तो कलेक्शन का एक काम बढ़ जाएगा तो कलेक्शन पीरियड अगर ज्यादा हुआ बहुत ज्यादा समय में अगर डेटर से पैसा आ रहा है यानी आपका पैसा क्या है डेटर के पास ब्लॉक हो रहा है टाई अप हो जा रहा है ब्लॉक हो जा रहा है तो उस केस में आपकी फर्म की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी ठीक है लेकिन अगर इसकी इसी की जगह आप बहुत टाइट क्रेडिट पॉलिसी यूज कर रहे हैं ठीक है सबको आप उधार पे सामान नहीं देते मैक्सिमम लोगों से आप कैश ही कैश कलेक्ट हो जाता है आप कैश में ही सामान दे रहे हैं तो कैश में ही सामान दे रहे हैं तो फिर यानी आपका जो प्रोडक्ट है ठीक है उससे कैश मतलब सेल होके कैश में आ जा रहा है तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि कैश आपके फर्म में सफिशियंट है सामान बिक रहे हैं कैश में आ जा रहा है कैश आपके पास तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी ठीक है तो दिस इज द क्रेडिट पॉलिसी पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ठीक है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट यानी जो आपके क्रेडिटर है आपकी फर्म के जो क्रेडिटर्स हैं क्रेडिटर मतलब जिनसे आपने उधार लिया है ठीक है जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बैंक तो जो जो क्रेडिटर्स हैं आपके कंपनी के जो क्रेडिटर है उनकी पॉलिसी क्या है ठीक है वो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है ठीक है अगर आपके जो क्रेडिटर है वो अगर लिबरल है उनके जो क्रेडिट टर्म है वो अगर लिबरल है तो उस केस में आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी कम होगी ठीक है अगर आपका जो बैंक है जहां से आपने लोन लेते हैं जहां से आप जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होते हैं वो लेते हैं तो अगर वो लिबरल है वो सफिशियंट आपको टाइम देता है कि आराम से पैसे देना कोई दिक्कत नहीं है छह महीने एक साल बाद देना लिबरल है तो वहां पे क्या होगा आपके पास सफिशियंट कैश मेंटेन रहेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी ठीक है तो ये भी एक फैक्टर है नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग इफिशियंसी ऑपरेटिंग इफिशियंसी मतलब देखिए इफिशियंसी मतलब कि इफिशियंसी वैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इज़ आउटपुट बाय इनपुट यानी कम से कम इनपुट पे ज्यादा है? तो है थोड़ा सा मैं स्क्रीन को फिर से क्लियर कर देती हूँ तो ऑपरेटिंग इफिशियंसी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैंने इसका फॉर्मला क्या पता है इफिशियंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट यानी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे कम से कम इनपुट पे दिस इज इफिशियंसी ठीक है तो ऑपरेटिंग इफिशियंसी ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फर्म की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है अगर कोई फर्म इफिशियंटली परफॉर्म कर रही है अगर कोई फर्म इफिशियंटली परफॉर्म कर रही है इफिशियंटली परफॉर्म करना मतलब कि अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रही है अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है एट मिनिमम कॉस्ट यानी कॉस्ट कम लग रही है और रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है तो उस केस में क्या होगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी कम होगी क्योंकि यहाँ पे जो फर्म है वर्किंग कैपिटल को भी इफिशियंटली यूटिलाइज करेगी फर्म अपने जो भी करेंट एसेट है ना उनपे प्रॉपर कंट्रोलिंग बना के रखेगी ठीक है और उनको इफिशियंटली यूटिलाइज करेगी तो ऐसे केस में अगर फर्म अपने जो भी ऑपरेशन है उनको इफिशियंटली परफॉर्म कर रही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रही है खर्चा कम कर रही है ठीक है तो उस केस में क्या है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी कम होगी ठीक है अगर फर्म अगर इफिशियटली परफॉर्म कर रही है तो उस केस में एक और चीज होगी कैश कन्वर्जन साइकिल हमने पढ़ा था ना कैश कन्वर्जन साइकिल यानी रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट होते हैं रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट हुए फिर उसके बाद फिनिश गुड में कन्वर्ट हुए फिर उसके बाद सेल हुई और वापस जाके कैश में कन्वर्ट हुए यही होता है ना तो ये क्या है कैश कन्वर्जन साइकिल तो अगर फर्म इफिशियंटली परफॉर्म करती है तो कैश कन्वर्जन स्पेलिंग क्या है कैश कन्वर्जन साइकिल जो होगी वो क्या होगी वो एक्सिलेट हो जाएगी ठीक है कैश कन्वर्जन साइकिल फास्ट होगी यानी आपका जो कैश है वो वापस कन्वर्ट होगा कैश में फास्ट तो वहां पे भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी कम होगी ठीक है तो ये इफिशियंसी ऑफ द फर्म दिस ऑल्सो इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है प्राइस लेवल चेंज प्राइस लेवल चेंज का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा प्राइस लेवल चेंज इन्फ्लेशन ठीक है तो राइजिंग द प्राइस लेवल जितना ज्यादा प्राइस लेवल राइज करता है उतना ही ज्यादा हाई वर्किंग कैपिटल फर्म को मेनटेन करना होता है ठीक है चलिए तो ये थे सेवन पॉइंट डिटर्मिनेट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ एक्चुअली मेरे चैनल पे काफी स्टूडेंट्स नए हैं हर दिन काफी नए बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ कौन सा बाकी है तो दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ये सारे ही लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ ठीक है और ये आज की तारीख तक है अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद देख रहे हैं या फिर अगले साल देख रहे हैं तो इनमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे और मेरे चैनल पे जाके आप होम पेज पे प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो वहां पे इन सब की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है और देखिए मैंने इसमें एफ एम नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि एफ एम इस टाइम में पढ़ा रही हूं जब मैं इसको एफ एम कंप्लीट कर दूंगी तो इसमें एफ एम भी एड हो जाएगा ठीक है तो ऐसे ही मैं सब्जेक्ट पढ़ाती जा रही हूँ इस लिस्ट में ऐड होता जा रहा है तो आपको अगर ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको ये सारे ही सब्जेक्ट uh, पे सेपरेट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे राइट और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए राइट तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल पॉलिसी तो हम जानते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या ऑप्टिमम लेवल ऑफ करेंट एसेट मेंटेन करना अपनी फर्म में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजर के रोल फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शन तो उसी में से एक फंक्शन क्या है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ करेंट एसेट मेंटेन करना यानी फर्म में जो करेंट एसेट है वो उसका लेवल बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए बहुत कम भी नहीं होना चाहिए एक प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए ठीक है करंट एसेट मतलब तो समझ रहे हैं ना करंट एसेट मतलब वो एसेट जिनको हम विद इन एन अकाउंटिंग ईयर या कह लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल एक ऑपरेटिंग साइकिल में उसे कैश में कन्वर्ट कर सके दैट इज करंट एसेट ठीक है जैसे एग्जांपल के लिए कैश हुआ डेटर हुआ इन्वेंटरी हुआ बिल रिसीवेबल हुआ तो ये सब करंट एसेट है फिक्स एसेट क्या होते हैं वो एसेट जिनको सेल के पर्पस से नहीं यूज करते जैसे प्लांट हुआ मशीनरी हुआ ठीक है तो ये सब एसेट होते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ करेंट एसेट फॉर्म में मेंटेन हो इसको इंश्योर करता है फाइनेंशियल मैनेजर और वो लेवल क्या होना चाहिए और इसका पर्पस क्या होता है इसका पर्पस होता है एसडब्ल्यू एम एम मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एवरी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म होती है जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उनके पीछे यही मेन फाइनेंशियल गोल होता है क्या एसडब्ल्यू एम एसडब्ल्यू एम मतलब शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ठीक है तो फाइनेंशियल मैनेजर भी कोशिश करता है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ करेंट एसेट फॉर्म में मेन्टेन हो ताकि जो शेयर होल्डर है उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके ठीक है तो अब हम जानते हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए फिक्स चाहिए करंट एसेट चाहिए एसेट एसेट और करंट चाहिए टू टू सपोर्ट सपोर्ट अ अ पर्टिकुलर लेवल 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 ऑफ 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 आउटपुट 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 यानी यानी सेम सेम को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ करेंट एसेट हो सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए 100 यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको कंपनी में प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए जो करंट एसेट आप मेंटेन करेंगे उसके तीन लेवल हो सकते हैं पहला लेवल क्या हो सकता है कि करंट का लेवल बहुत हाई हो दूसरा लो हो और तीसरा एवरेज लेवल ठीक है तो तीन लेवल हो सकते हैं तो उसी के बेसिस पे तीन डिफरेंट वर्किंग कैपिटल की पॉलिसीज होती हैं कौन कौन सी कंजर्वेटिव पॉलिसी एवरेज पॉलिसी एंड एग्रेसिव पॉलिसी ये क्या होती है अब मैं आपको डिटेल में विद ग्राफ बताऊंगी सबसे पहला है वर्किंग कैपिटल पॉलिसी ये वर्किंग कैपिटल पॉलिसी तीन टाइप की होती है ठीक है तो ये वर्किंग कैपिटल पॉलिसी जो होती है कौन कौन सी है एग्रेसिव है कंजर्वेटिव है और एवरेज है ये तीन टाइप की पॉलिसी है तो लेवल ऑफ करंट एसेट किसी भी फॉर्म में करंट एसेट का क्या लेवल है इसको मेजर करने के लिए हम एक रेशियो निकालते हैं कौन सा रेशियो फिक्स एसेट बाय सॉरी करंट एसेट बाय फिक्स एसेट का रेशियो निकालते हैं लेवल ऑफ करंट एसेट हम मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं रेशियो निकालते हैं ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है सी ए बाई एफ ए करेंट एसेट डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट का रेशियो निकालते हैं और उसके बाद इस ग्राफ में जरा देखिए हम एज्यूम करते हैं कि फिक्स एसेट इज कॉन्स्टेंट जो एसेट एसेट है है। वो कांस्टेंट का लेवल कांस्टेंट है, है? ठीक हमने एक्स एक्सिस पे आउटपुट को प्लॉट किया वाई एक्सिस पे हमने करंट एसेट के लेवल को प्लॉट किया और हम एज्यूम कर रहे हैं कि फिक्स एसेट कांस्टेंट है और जो बाकी फैक्टर्स है ना वो भी कॉन्स्टेंट है केवल करेंट एसेट वेरी कर रहा है तो हम ये रेशियो निकालेंगे ठीक है चलिए रेशियो निकालने से पहले हम जरा करंट एसेट के लेवल को देखते हैं अगर करंट एसेट हाई है अगर हम ए की बात करें अगर करंट एसेट का लेवल हाई है करंट एसेट हाई है तो हम उसको कहते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी करंट एसेट का लेवल हाई है चलिए अभी मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है देखिए करंट एसेट का लेवल हाई है इसका मतलब क्या है फर्म ने बहुत ज्यादा कैश मेंटेन किया हुआ है अपने पास फर्म बहुत कंजर्वेटिव लो रिस्क ले रही है ठीक है यही मतलब है ना करंट ऐसा करंट एसेट अगर हाई है इसका मतलब कैश बहुत ज्यादा मेंटेन किया है फर्म रिस्क नहीं ले रही है अगर फर्म के पास सौ रुपए है तो फर्म ने अपने नब्बे रुपए जो है ना वो कैश के फॉर्म में ही मेंटेन किया है जबकि और केवल दस रुपए की फर्म ने कोई मशीनरी वगैरह केवल दस रुपए की खरीदी है नब्बे रुपए तो फर्म ने कैश मेंटेन किया है कि कहीं इमरजेंसी में पैसे वगैरह की जरूरत पड़े तो उससे किया जा सके ठीक है तो यहाँ पे क्या है फर्म ने रिस्क बहुत कम लिया है तो रिस्क कम लिया है तो रिटर्न भी कम होगा यहाँ पे फर्म ने एक ही मशीनरी खरीदी जबकि अगर इसी की जगह एक दूसरा अप्रोच अगर फर्म यूज करती सौ रुपए है और उसमें नब्बे रुपए फर्म ने अगर क्या अगर फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दिए होते और केवल दस रुपए कैश रखा होता ठीक है यानी करंट एसेट में केवल दस रुपए मेंटेन किए होते हैं यानी करंट एसेट बहुत कम मेंटेन किया होता अगर मशीनरी ज्यादा फिक्स एसेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होता फिक्स्ड एक मिनट एसेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होता तो क्या होता ज्यादा प्रोडक्शन होता ज्यादा प्रोडक्शन होता ज्यादा सेल होती और ज्यादा प्रॉफिट होता यही बात है ना ज्यादा प्रॉफिट होता तो वहां पे रिटर्न ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है ठीक है तो बेसिकली ये जो अगर करंट एसेट का लेवल बहुत ज्यादा है तो ये बताता है कंजर्वेटिव अप्रोच फॉर्म का कंजर्वेटिव अप्रोच फॉर्म जो है सेफ एंड चलना चाहती है रिस्क कम लेना चाहती है तो इसे कहते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी और अगर करंट एसेट का लेवल जो है लो है तो ये क्या है एग्रेसिव पॉलिसी यानी फॉर्म काफी एग्रेसिव है ठीक है यानी रिस्क हाई रिस्क है यहाँ पे एग्रेसिव पॉलिसी में हाई रिस्क फॉर्म ने लिया है और इन दोनों के बीच में जो करंट एसेट का लेवल होता है दैट इज एवरेज पॉलिसी तो ये तीन टाइप की पॉलिसीज होती हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये तो लिखेंगे ही कि इस पॉलिसी ये जो करंट एसेट का लेवल है इसको मेजर करने के लिए हम ये रेशियो निकालते हैं सी ए बाई ए का रेशियो निकालते हैं करंट एसेट बाई फिक्स एसेट का रेशियो निकालते हैं और फिर ये ग्राफ जरूर आपको बनाना है क्योंकि ये ग्राफ आपने बना लिया ना तो ये ग्राफ से सारी बातें समझ में आ जा रही है इस ग्राफ में आपने बता दिया कि फिक्स एसेट का लेवल कॉन्स्टेंट है और करेंट एसेट का जो लेवल है होता है वो डिटरमाइन करता है पॉलिसी अगर करंट एसेट बहुत हाई है यानी कंजर्वेटिव पॉलिसी लो है यानी एग्रेसिव पॉलिसी और बीच की है यानी एवरेज पॉलिसी ठीक है तो बेसिकली फिर हम इसका रेशियो निकालते हैं हायर द सी ए बाई रेशियो यानी ये जो रेशियो है सी ए बाई एफ ए का रेशियो है अगर हाई आता है यानी करंट एसेट बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है कंजर्वेटिव करंट एसेट पॉलिसी और अगर इस रेशियो की वैल्यू कम है यानी एग्रेसिव करंट एसेट पॉलिसी ठीक है और अगर कंजर्वेटिव पॉलिसी है तो इसका मतलब क्या है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है कैश बहुत ज्यादा मेंटेन किया है कैश ज्यादा मेंटेन किया है यानी यहाँ पे फर्म लो रिस्क ले रही है और लो रिस्क ले रही है तो लो पी होगा पी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो कम होगी अगर रिस्क कम लिया तो रिटर्न कम होगा ठीक है और अगर फर्म एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करिए यानी रिस्क बहुत ज्यादा ले रही है ठीक है रिस्क ज्यादा ले रही है तो हाई प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है और यहाँ पे लिक्विडिटी कम होगी तो दिस इज द थ्री वर्किंग कैपिटल पॉलिसी आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब जल्दी से हम थोड़ा सा लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी वैसे तो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बस थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी तो हम जानते हैं जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसका मेन एम क्या है मेन एम है प्रॉफिटेबिलिटी और कह लीजिए सोल्वेंसी सोल्वेंसी या लिक्विडिटी कह लीजिए इसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना फिर से बोल रही हूँ हम पढ़ रहे हैं इसका इसके दो इम्पोर्टेंट एम है दो इंपॉर्टेंट एम क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी और जो लिक्विडिटी है ठीक है इनको प्रॉपरली मेंटेन करना एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन करना बेसिकली कह लीजिए इस एम को हम एक में ही कंबाइन कर सकते हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना किसके बीच में प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी के बीच में तो इसीलिए कहा जाता है इसे लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विडिटी कह लीजिए या सॉल्वेंसी कह लीजिए सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है फर्म अपने जो भी ऑब्लिगेशन है उनको मीट करने के लिए एबल है कि नहीं है दैट इज कॉल्ड सोल्वेंसी ठीक है अब अभी मैंने खैर समझाया इसे कि देखिए हायर लिक्विडिटी है इसका मतलब क्या है करंट एसेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है लिक्विडिटी ज्यादा है यानी करंट एसेट ज्यादा है कैश ज्यादा है कैश ज्यादा है यानी आपने रिस्क ही नहीं लिया है रिस्क नहीं लिया है तो रिटर्न भी लो होगा रिटर्न कम होगा तो लो प्रॉफिट होगा पूरे चांसेस है लो प्रॉफिट होगा और अगर आपने लिक्विडिटी कम रखी है लिक्विडिटी कम रखी है यानी पूरे नब्बे रुपए की आपने मशीन ही खरीद डाली सौ रुपए में से नब्बे रुपए की मशीन खरीद डाली तो यहाँ पे क्या है करंट एसेट लो है करंट एसेट लो है लेकिन आपने रिस्क बहुत ज्यादा लिया है यहाँ पे ठीक है तो रिस्क ज्यादा लिया है तो हाई

या एक दूसरे शब्दों में ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या है कंजर्वेटिव पॉलिसी मतलब लो रिस्क लो रिटर्न एग्रेसिव पॉलिसी मतलब क्या है हाई रिस्क हाई रिटर्न ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी या कह लीजिए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ यानी रिस्क और रिटर्न के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना तो यही काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का फाइनेंशियल मैनेजर एक बहुत ही हाईली पेड जॉब होती है किसी भी फॉर्म में तो अगर वो आपको हाईली पे कर रहे हैं तो फिर प्रॉपरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होंगी क्योंकि ये सब आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी फर्म के अगर इन सब में कोई भी गलती हुई तो फिर मतलब फर्म का हैवी लॉस हो सकता है ठीक है फर्म की सॉल्वेंसी इंपैक्ट पड़ सकती है ठीक है तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म किसी भी फर्म के बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज है ये ठीक है तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर और uh, अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी कैश मैनेजमेंट ठीक है तो चलिए फिर लेक्चर वाइंड अप करती हूँ और अगर लेक्चर समझ में आया लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा ठीक है आप लोगों का एक एक लाइक एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेसिंग